ये आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका व्यू काफ़ी खूबसूरत है। तो गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे सामने एक होटल हमने बुक किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हम, ये बीच है और ये टेंपल है, मुर्देश्वर टेंपल और मुर्देश्वर बीच। चलिए चलते हैं अपने होटल की ओर जहाँ पे हमने बुक करके रखा है और वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सराउंडिंग में व्यू दिखता है। और साथ ही साथ आपको दिखाने वाले हैं ये सामने जो टेम्पल है वो हम उसके अंदर जाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर मुर्देश्वर में तीन वीडियोस हमने बनाई है, एक मुर्देश्वर बीच की हमने, एक होटल में हम रुके हैं उसके बारे में दिखाया है और तीसरा एक वीडियो बनाया है जिसमें हम टेम्पल के बारे में दिखाया है। तो सारा आप वीडियो आप देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे आर्यन गेस्ट हाउस, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, सामने एक आपको बोर्ड दिख रही होगी। तो जब आप बीच से आएँगे तो ये आपको काफ़ी सामने पड़ेगा, मुर्देश्वर बीच और मुर्देश्वर टेम्पल दोनों से वाकई डिस्टेंस आपको 5 to 10 minutes है, आप इजीली आ सकते हैं 400 to 500 meters यहाँ का, 500 ठीक है, तो 1 kilometer भी नहीं है। तो आप यदि यहाँ पे बुक करना चाहते हैं तो नीचे मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा और सारा चीज़ आपको दिखा दूँगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि मैं आपको रूम पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, इस गेस्ट हाउस के बारे में दिखाने वाला हूँ, रूम से बीच का व्यू और टेम्पल का व्यू किस तरह से होता है वो सारा चीज़ आपको शेयर करने वाला हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप हमारे साथ कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। ये आप सामने देख सकते हैं आर्यन गेस्ट हाउस, ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आर्यन गेस्ट हाउस, चलिए चलते हैं इसके अंदर। ये एंट्री गेट सामने देख सकते हैं, पास ले लो रिसेप्शन वो कर दो। ये देख सकते हैं ये बालकनी व्यू है, इनको यहाँ से आपको पूरा बीच व्यू और साथ ही साथ आप सामने आप देख सकते हैं यहाँ से आपको शंकर जी और मुर्देश्वर टेंपल गोपुरम में सारा चीज़ आपको दिख रहा है। चेक इन कर लिए हैं यहाँ पे और चेक इन टाइमिंग है आपके 12 बजे की और चेकआउट टाइमिंग है नेक्स्ट डे अगेन 12 PM। तो चलिए चलते हैं हम रूम की ओर। तो गाइस अभी मैं हूँ यहाँ पे आर्यन गेस्ट हाउस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हम लोग चेक इन कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ। हम लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और हमारे साथ पूरी फैमिली है, तो चलिए चलते हैं और आपको रूम दिखाते हैं यहाँ के किस तरह का रूम है, क्या नज़ारा है और सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी किस तरह से बुक करना है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये है रूम, दिखाते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं वाइड एंगल से मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूम, यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो एक बड़ी सी बेड मिल जाएगी, सामने ड्रॉअर है, ड्रॉअर के अंदर कुछ नहीं होगा और इधर आप देख सकते हैं सामने एक ब्यूटीफुल सा मिरर और इधर आप ये एक चेयर मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल जो भी आप बोलो, एक चेयर और यहाँ सामने LED ब्यूटीफुल सारा कुछ चल रहा है। यहाँ पे फिर एक बड़ा सा कवर और यहाँ पे देख सकते हैं AC, यहाँ पे कपड़े वगैरह टांगने के लिए सारा चीज़ मिल जाएगा। और हमने पहले ही कर लिया था चेक इन, उसके बाद अब आपको दिखाते हैं एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा जो आप
ये अब जब पर्दे हटाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल व्यू, मस्त। ये रहा, ये देख सकते हैं गाइस, तो ये रहा बालकनी व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बालकनी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, कपड़े वगैरह ये सुखाने के लिए रख दिए हैं। ये आपको यहाँ पे बोर्ड दिखाई देगा और साथ ही साथ सामने यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ समुद्र ही दिखाई देगा, तो ये काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ से देख सकते हैं भगवान शंकर जी का स्टेचू, ठीक है। इसके बाद आपको एक वीडियो दिखाई देगी जिसमें मैंने टेम्पल के बारे में भी आपको बताया है, पूरा दिखाया है, तो वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये देख सकते हैं आप, मैं आपको और कंप्लीट व्यू आपको दिखाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। ये इस तरह से है, नीचे आप सामने देख सकते हैं, सबसे खास बात यह है कि आपको मुर्देश्वर बीच से और जो टेंपल है मुर्देश्वर टेंपल देख रहे हैं वहाँ से ये 5 से 10 मिनट ही आपको पड़ेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेंगे, काफ़ी सामने हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वाइड एंगल से आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का। मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन सब बेसिन मिल जाएगा, सामने टॉयलेट और दो लाइक हॉट और कोल्ड दोनों के लिए आपको नल मिल जाएंगे और सामने ये झरना। तो इस तरह से है ये कुछ, और आपको दो टॉयल भी मिल जाएंगे जो हमने यूज़ कर लिया है, तो टॉयल मिल जाएंगे और दो मेडिमैक्स के सॉप मिल जाएगा। ये सारा चीज़ है। हाय गाइस, हमने यहाँ पे लंच का ऑर्डर भी दे दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे, ये जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो हम अभी लंच करके फिर से अभी मंदिर की ओर चलेंगे। ये हमने अभी कुछ लंच में ऑर्डर किया है, दैट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, यू हैव टू पे फॉर दैट। तो ये देख सकते हैं इडली है, यस इडली दो हमने ऑर्डर किया है, ये प्लेन राइस स्टीम्ड राइस, नेस्ट्रीम ड्राइव्स में ऑर्डर था, चटनी के साथ सांभर है। यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट का एक नंबर आपको मिलेगा रिसेप्शन से, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कोई भी फ़ोन नहीं है जिसे आप कॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा ये इसके लिए डेमेरिट है। हमने बोला है वाटर बोतल की, तो फैमिली उन्होंने वाटर बोतल ला दी है। हाँ दोनों, ठीक है दोनों ले लो ना एक ही जगह, थैंक यू। फाइनली हमें दो वाटर बोतल कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया है, ठग लिए, हाफ लीटर की दो दो दे दिए, ठीक है। कोई रिसेप्शन से एक नंबर मिल जाएगा जिसमें जो है आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट वाले को कॉल कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी पर्सनल लाइक रूम के लिए कोई भी फ़ोन अवेलेबल नहीं है रिसेप्शन में, रिसेप्शन के लिए, तो वहाँ कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मेनू भी आपको रिसेप्शन के काउंटर मिल जाएगा जिसे आप उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने मंगाया है ये पनीर मंचूरियन, ये है बटर रोटी, ये पनीर बटर मसाला, ये सारा चीज। हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक।
तो गाइस अभी उस टाइम मैंने दिखाए थे आपको एक बालकनी व्यू। तो आप यदि इस आर्यन लाइक इस होटल में आते हैं, आप अपनी बुकिंग कराते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस होटल में आपको दो व्यू वाले रूम्स अवेलेबल हैं। उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ चार्जेस आपको अलग लगेंगे। लाइक यदि आप बालकनी व्यू लेते हो जहाँ से आप सी व्यू और साथ ही साथ आप मुर्देश्वर टेम्पल शंकर जी भगवान का लाइक आप अपने रूम से व्यू लेना चाहते हो तो उसकी अलग चार्जेज है। उसके लिए वो लोग कुछ अलग चार्जेज लेते हैं, उसका आप नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपनी बुकिंग करा सकते हैं कुछ एडवांस पेमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स लाइक अभी मैं जहाँ हूँ ये दूसरे रूम में हूँ जिसमें आपको नॉर्मल चार्जेस लिए जाएंगे, इसमें आपको बालकनी व्यू नहीं मिलेगा जहाँ से आप सी व्यू वगैरह नहीं देख सकते हो। तो वही चीज़ें मैं थोड़ी सी दिखाता हूँ। ऑलरेडी हम लोग थक गए थे तो सो गए हैं, तो बेड वगैरह थोड़ा सा लाइक फैला हुआ है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो आप चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रूम आपको मिलेगा जिसमें आप सिंपल ये देख सकते हैं, ये बेड है थोड़ा सा फैला हुआ है, दैट सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको सेम उस रूम में मैंने जो दिखाया था एलईडी मिल जाएगी, ठीक है, एलईडी मिल जाएगी और ये आपको डाइनिंग टेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ये कवर मिल जाएगा जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। मिरर सेम उसी के जैसा ही है। सामने आपको साइड टेबल जिसे मैंने आपको दिखाया, जो आपने चार्जिंग वगैरह चार्जिंग पॉइंट वगैरह ले सकते हैं। और मैं आपको एक दिखाता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सा ये है, आपको सी व्यू तो नहीं मिल पाएगा लेकिन हाँ एक छोटा सा बालकनी है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आप रेस्ट कर सकते हैं भाई, काफ़ी मज़ा है, देख सकते हो यहाँ पे भी। लेकिन बस एक ये डिमेरिट है कि फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने एसी का एग्जॉस्ट कर दिया है, दैट्स वाई ये एरिया थोड़ा सा गर्म है। मे बी रात में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा हमारे यहाँ पे दो रूम अवेलेबल थी। इसके अलावा भी हमारी अभी लाइक अभी हम लोग निकल रहे हैं टेंपल के लिए, हम लोग अभी होटल में स्टे किए हुए हैं, थोड़ा सा थक गए थे इसलिए हम लोग थोड़ा सा वो यहाँ पे रेस्ट करने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से थोड़ा सा बाहर और जहाँ से हम लोग अभी टेंपल वगैरह का वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर और आगे चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में कम्प्लीट बने रहिए क्योंकि हेलो गाइस, तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और हम लोग हैं यहाँ पे आर्यना गेस्ट हाउस में। जैसा कि यदि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग इस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, जो कि ये मुर्देश्वर बीच और मुर्देश्वर टेंपल से आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो काफ़ी हम लोग यहाँ पर इंजॉय किया, हम लोगों ने लंच किया और अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। उस टाइम हम लोगों ने बीच वहाँ पर इंजॉय किया था और अभी हम लोग जो है मुर्देश्वर टेंपल की ओर चल रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे यहाँ से आपको दिख रहा है ये देख सकते हैं मुर्देश्वर टेंपल और साथ ही साथ बीच है। तो हम अरे चलो जल्दी, ये ही होता है घर की लेडीज़ के साथ गाइस, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेकअप में सब टाइम लगाती हैं। ये हैं हमारी प्यारी मम्मी और ये पता नहीं कहाँ से है कौन आ गई। तो गाइस चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कैसा व्यू आता है। ये आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है और यहाँ से कुछ इस तरह से ये होटल दिखता है, गेस्ट हाउस बोल दीजिए, होटल बोल दीजिए। और देख सकते हैं आर्यन गेस्ट हाउस का बोर्ड और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका व्यू काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी रात के 10 बज चुके हैं, हम लोग यहाँ पर टेम्पल से आ चुके हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग होटल आ चुके हैं और फाइनली वो वीडियो यदि आपको देखनी है तो हमारे चैनल में जस्ट इसके बाद पब्लिश हो जाएगी, जो कि सिवा का वर्ल्ड का टॉलेस्ट लाइक सेकंड लार्जेस्ट आप बोल सकते हो स्टैचू है। काफ़ी मज़ा आया और लाइक काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है। अभी लाइक अब हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं और मॉर्निंग में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक रूम है बालकनी व्यू, वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाने के लिए लाइक सनराइज वहाँ से पॉसिबल होता है। तो मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको सनराइज वहाँ पे दिखाऊं, उसका एक टाइम लैप्स वीडियो बनाऊं और साथ ही साथ आपको दिखाऊं कि वहाँ से स्टेचू सनराइज और सी बीच का मॉर्निंग में क्या व्यू होता है। तो मिलते हैं सुबह।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपको स्वागत है आपके नेक्स्ट डे में। फिर से हम लोग बस ये होटल में हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का सनराइज़। कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि सनराइज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं हुआ है या नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बाहर व्यू देखेंगे तो इस तरीके का कुछ व्यू दिखेगा। यस, अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और आप अभी तक देख सकते हैं, कल रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी थी, अभी तक जो है यहाँ पे सनराइज़ नहीं हुआ है। चारों तरफ क्लाउड मोमेंट है, तो आई एम सॉरी कि आपको सनराइज़ नहीं दिखा सके। लेकिन चलिए चलते हैं यहाँ से। यस, ब्यूटीफुल। ये देख सकते हैं यहाँ से फिर से शिवा का स्टेचू। यहाँ पे देख सकते हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पे दिखाया अभी मॉर्निंग का, सनराइज़ तो हो नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे अभी क्लाउडी इन्वायरमेंट है। बाकी आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं हमारे बालकोनी से, काफ़ी अच्छा है और देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और इस होटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यदि आप इस होटल को बुक करना चाहते हैं। और अदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को फॉलो करें और इसी तरह का इंटरटेनमेंट वीडियोज़, ट्रैवल टिप्स, बहुत सारी जानकारी पाते रहने के लिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। थैंक यू।